अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री व विधायक नैना देवी विधानसभा क्षेत्र रामलाल ठाकुर ने प्रदेश में जल शक्ति मिशन को लेकर हो रही गड़बड़ियों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के लिए बनाई गई योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है और उसका लाभ आमजन को कम और भाजपा राजनीतिक तौर पर उसका लाभ उठाने की कोशिश ज्यादा कर रही है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग कहीं पर 50,000 तो कहीं पर 1 लाख, कहीं पर 1.5 लाख रुपए और मंडी में 3 लाख रुपए में प्रति नल का काम निजी कंपनियों को लगाने का दिया गया है। इन कंपनियों में पंजाब इरिगेशन और यूनिप्रो है और ये निजी कंपनियां अपने कार्य की परफॉर्मेंस को सही करने के लिए प्रदेश के जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ के कार्यालय में आधी अधूरी रिपोर्ट दाखिल करके सरकारी पैसों को मोटी चपत लगा रही है। जल जीवन मिशन के लिए जारी किए गए पैसे से ही बिना काम अलॉट किए 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक के रेस्ट हाउस केवल जिला मंडी में ही बनाए जा रहे हैं और ये रेस्ट हाउस ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जहां पर उनका कोई औचित्य नहीं है और इससे भी एक तो जनता के पैसों की बर्बादी की गई और दूसरी सरकारी पैसों को मोटी चपत लगी है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि यहां तक तो जो साक्ष्य सामने आए हैं वहां पर जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी इन निजी कंपनियों के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के जल शक्ति विभाग के सदर डिवीजन में तो हद ऐसी हो गई है कि एक ही कंपनी को 15.5 करोड़ में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 17.5 करोड़ का काम सदर विधानसभा क्षेत्र को आवंटित किया गया है, जबकि ये काम बिलासपुर के ही छोटे छोटे ठेकेदारों को दिया जा सकता था जिससे लोकल ठेकेदारों को रोजगार और काम भी मिल सकता था। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले के जिलाधीशों के साथ सिंचाई व जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को बिठाकर प्रेस वार्ताएं जल शक्ति मिशन को लेकर करवा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पानी का सोर्स क्या होगा और जो पानी के कनेक्शन जो पहले से दिए गए थे उनका डाटा बैंक भी क्यों तैयार नहीं करवाया जा रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जो आंकड़े इस जल जीवन मिशन को लेकर सामने आ रहे हैं उनके आधार पर जमीन पर कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, सरकार की मशीनरी ठीक से काम भी नहीं कर पा रही है और लोगों को कोई भी इस योजना का बुनियादी फायदा नहीं मिल रहा है। जीवन मिशन के बारे में मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है उसमें भागीदारी प्रदेश सरकार की भी है पर वो बिल्कुल नमक की है, पर ऐसा लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट ने कि जल्द जल्दी इस पैर को खर्च किया जाए। जो पैसा मिला है ये 2021 तक का पैसा है कि इतने समय में जो है वो नलकों की संख्या बढ़ी कितने नए लगने हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं है कि ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी है, पहाड़ों के ऊपर जो है वो गांव बसे हैं, जो स्कीमें बन गई है उसमें बड़े कठिन जो है वो ट्रेन है जिसके ऊपर स्कीमें बनाई गई है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ढंग से डीएम के थ्रू जो नलके लग रहे हैं जहां पे 200 नलका था वहां पे 1000 नलके जो है वो और जुड़ गए और वहां पे पानी सोर्स किसी ने पानी और सारे का सारा जो है ये धांधली बाजी चली हुई है। पाइपें जो है कुछ डिपार्टमेंट की पाइपें हैं, कुछ पानी जो है वो ठेकेदारों को भी कहा गया है तुम भी खरीद के लो, उसकी गुणवत्ता कौन देखेगा किसी को कोई मालूम नहीं है। और आज मैं कहना चाहूंगा आईपी डिपार्टमेंट ही ठेकेदार बन गया हुआ है, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उस तरीके से पाइपें लेकर दबाई जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा और वही नलके जो है वो शो किए जा रहे हैं कि डीएम के द्वारा ये जो ठेकेदार हैं इन ठेकेदारों के द्वारा काम किया गया है। दो कंपनियां आपकी जो पूरे हिमाचल प्रदेश में वही काम कर रही है उससे मैं कहूंगा और विश्ववासी चिंतित पैदा हो रहे हैं कि कारण क्या है कि कोई भी ठेकेदार नहीं है हिमाचल प्रदेश का जो काम को कर सके और केवल जो पंजाब की और जो यहां से अलीगढ़ की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां काम कर रही हैं और हमारा तो ये कोई 16-17 करोड़ रुपए का कम है ये उस कंपनी को दे रखा है। कोई 100 पाइपें जा रही हैं, कोई 50 मांग रहा है तो 50 जा रही है, कहीं को 3-3 रुपये भी नहीं मिल रही है। और ये जो जैसे मान लो किसी ने नलके लगवाने हैं तो उनके फॉर्म भी यहाँ भी भरवा रहे हैं और फॉर्म भरवा के टारगेट देखा है ऑफिस से कि भाई ऊपर से जो है वो कह रहा है कि जो 500 जो है वो नलका कोई हर नलके लगा दो उसकी रोज जो है वो उसकी सूचना जो है वर्ल्ड लेवल को भी दी जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा जिस ढंग से ये चला है उस ढंग से मैं मंत्री जो कहना चाहूंगा
आप मेहनती सब कुछ है, लेकिन ये जो हो रहा है और जो ये बड़े बैठे हिमाचल प्रदेश को लूट रहे हैं और उसमें उस लूट ग्रुप में जो है वो डिपार्टमेंट को भी पार्टी में बनाया गया है और उसमें मैं कहना चाहूंगा बड़ा गलत हो रहा है और कहीं सना हो गर्मियों के दिनों में पानी नलकों में नहीं आया क्योंकि इतना तो पानी नहीं है। जब सोर्स नहीं है तो आप नलके लगा के ये रिकॉर्ड क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये मेरा मंत्री से निवेदन है और सबसे निवेदन है कि इस प्रकार की तुरंत रोका जाए।